सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। भाई तो सेकंड चैनल पे धपा धप वीडियो आना चालू हो गया। सो भाई आज हम आए हैं रूडी के घर पे। हाँ, तो जो लोग रूडी को नहीं जानते मेरे फर्स्ट चैनल पे जाके देखिए रूडी के बारे में, आपको पता चल जाएगा। तो आज हम आए हैं रूडी के घर पे और रूडी की मॉम स्पेशल कुछ आज बनाने वाली है। वैसे भी भाई देखो, ठंडी का सीजन जा रहा है और गर्मी का सीजन आ रहा है, तो उसके मतलब वो टाइम पे जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो उनके लिए हम क्या बनाए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपका कंफ्यूज हम दूर कर देंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए ये चलो, कोई तो गेट खुलेगा आज। ये अरे गेट खुला और ये सामने सो चलो भाई, एंट्री तो हो गई, हमारे घर में आ गए हैं और आज हम क्या रेसिपी देखने वाले, डायरेक्ट हम रूडी की मॉम से बात करते हैं। सो यहाँ पे रूडी की मॉम, सो पहली बार आए हैं अपने चैनल पे, सेकंड चैनल पे। वैसे भी ये फैमिली चैनल बना दिया मैंने, तो इसमें आगे भी फैमिली आते रहेगी। नमस्ते सभी को। ओके, सो आज आप क्या मतलब क्या स्पेशल बनाने वाले हो, क्या लोगों को दिखाने वाले हो? आप जैसे कि जानते हैं अभी गर्मी का सीजन आ रहा है और हमारा बबलू बेचारा थका हारा आया है धूप से, तो मैं सोच रही हूँ कुछ उसके लिए रिफ्रेशिंग बनाओ, जिसके लिए जिससे उसको एकदम रिफ्रेशमेंट हो जाए उसका और एकदम फ्रेश हो जाए। यस, वैसे भी मतलब बाइक चला के जब इधर आता हूँ ना भाई, मतलब ट्रैफिक में गर्मी की वजह से जो हालत ख़राब होती है ना, वो आपको पता होगा, जो लोग बाइक चलाते हैं मतलब जो गर्मी में रहते हैं ना, उनको पता होगा। सो फटाफट आप बताइए कि आज क्या बना लो। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के डब्बे बॉटल्स है, वहाँ पे आइस भी है। ओके, सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मिसेस राजी आनंद, मैं रूडी की मॉम हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक मॉकटेल बनाने वाली हूँ। इसका नाम है मोइतो। तो इसके लिए हम लेते हैं ग्लास, कुछ चीज़ें, एक नींबू हाफ स्लाइस किया हुआ, मिंट लीव्स थोड़ा सा और थोड़ी शुगर और एक स्प्राइट। तो भाई इतना सब कुछ देखने के बाद आप समझ गए कि आज आप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले हो, जूस, मतलब जूस जो घर पे जब मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हम नींबू शरबत बना के देते हैं। ये बेसिक सा सबके घर में नींबू शरबत, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग, मतलब नींबू शरबत के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड में जाएंगे, जो मतलब जहाँ पे नींबू लिया है। और ये क्या हरा वाला? पुदीना। अच्छा, ये पुदीना है, शक्कर है और स्प्राइट भी यूज करने वाले। सो भाई देखो, ये सभी के घर में तो होता है, तो थोड़ा सा नींबू शरबत के ऊपर जाते हैं हम और आज नया कुछ बनाना सीखते हैं, जिससे आप अपने घरों में आराम से बना सकते हो, लोगों को पिला सकते हो। भाई गर्मी आ रहा है, पसीने नहीं आ रहे यार। तो लेंगे हाफ स्लाइस नींबू का जूस। यूजुअली इसमें नींबू को भी डाल देते हैं। और थोड़ी सी शक्कर बस खुरदुरापन के लिए, क्योंकि स्प्राइट में तो शक्कर होता ही है। और फिर इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे, पुदीने के फ्लेवर सब निकल के आए बाहर। हम डालेंगे स्प्राइट, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम रिफ्रेशिंग, तो इसके बबल्स ही हो रहा है। इसको सर्व करेंगे। सो जैसा आपने देखा कि भाई मतलब नींबू शरबत से भी फास्ट इसका प्रोसीजर है जो ये बन गया है, तो भाभी आप बताएंगे कितना टाइम गया बनाने में? हार्डली एक मिनट भी नहीं लगा, पूरी तरह से एक मिनट भी नहीं लगा। मतलब देखा हमने कट टू कट, जैसे कि शक्कर डाला, नींबू डाला, वो फिर क्या था पुदीना डाला, देन उसको स्प्राइट डाल के मिक्स किया और यहाँ पे आपका मोजिटो हो गया तैयार। अब भाई जस्ट लेते हैं और वाओ, मुझे याद है मैंने पहला ये कहाँ पिया था, बोसर में एक फ्रेंजी नाम का दुकान है वहाँ पे पिया था। भाई मैं कहूँगा एक मिनट से भी कम टाइम लगता है, एक बार घर पे ट्राई करना। स्प्राइट भाभी क्या क्या लिया इसमें मेनू, आप बताएंगे जरा? इसमें नींबू लिया है, पुदीना, शक्कर और स्प्राइट, बस ये तीन चीज लेना आपको घर पे, आप बना के आराम से। और ये मिंट लीव्स हेल्दी भी होता है, रिफ्रेशिंग भी होता है। वाह, तो जब तक मैं ये पीता हूँ तब तक भाभी आपको बताएंगे सेकेंड कौन सा जूस बनाने वाले हैं, आप वो भी आराम से इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। सो भाभी आप कंटिन्यू कीजिए जब मैं पीक खत्म करता हूँ। अब हमारा सेकेंड जो मॉकटेल है वो भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और दिखने में बहुत ही एक्वा कलर का है, और उसमें ऑटोमेटिकली वो देख के एक रिफ्रेशमेंट आ जाता है। ये इसके लिए हमको लगेगा मैप्रो का सिट्रस ब्लू करके एक सिरप आता है, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ग्लास हाफ स्लाइस नींबू, ये मैप्रो का सिट्रस ब्लू सिरप और स्प्राइट। तो इसके लिए हम पहले लेंगे सिट्रस ब्लू, जो हमको करीब दो ढक्कन लेना है, दैट इज 15 ml।
फिर इसमें डालेंगे स्प्राइट। अगर आपको अभी इसको और प्रेजेंटेबल बनाना है, ब्यूटीफाई करना है, तो एक लेमन स्लाइस कट करके एक ग्लास के एज पे लगा सकते हैं। तो जब तक ये जूस बना तब तक मैंने ये ग्लास खत्म कर दिया, तो इसको मैं साइड में यहाँ पे रखता हूँ। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रॉकेल से जैसे कलर तो वैसा लग रहा है, सी कलर, okay, समुंदर का कलर है। समुंदर कलर है, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए जैसे हम लोग जैसे पेट्रोल कलर एक अलग होता है, ये रॉकेल कलर उस टाइप का है। रॉकेल बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये रॉकेल नहीं है। ओके, सो मैं ट्राई करता हूँ। पहली बार मैंने ये ट्राई किया है, सही जबरदस्त है। तो ये भी खत्म करता हूँ, जब तक भाभी कुछ और एक और आपके पास जूस अवेलेबल। हाँ, एक और देखिए आप लोग। तो इसके लिए फर्स्ट हम लेंगे वैनिला आइसक्रीम। आप आपकी चॉइस का फ्लेवर ले सकते हैं, चाहिए तो वैनिला, चाहिए तो स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। वैनिला इज लाइक सारे फ्लेवर्स के साथ ब्लेंड हो जाता है। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं, बस आइसक्रीम और फैंटा लिया है और उसको ब्लेंड किया है, और फिर अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर एक फ्रॉदी लेयर आएगा जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है। सो बबलू रेडी टू ट्राई। ओके, तो यहाँ पे तीसरा जूस भी बन गया, लेकिन इस बार पलटी होने वाली, मतलब बदली होने वाली है कि मैं नहीं ट्राई करूँगी, खुद अपना जूस आप ट्राई करोगे, क्योंकि मेरा वाला जूस यहाँ पे खत्म हुआ नहीं। तो भाभी आपने जो बनाया है ऑरेंज आपके लिए, जिसमें हमने क्या यूज किया, आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला जूस भी होता है, ये भी मुझे आज ही मालूम पड़ा, नहीं तो अब तक देखो मैं कब से घासलेट पी रहा था भाई। ये घासलेट एक्चुअली है बहुत अच्छा, तो इसका जो भी मतलब यूज किया है, आप वीडियो आपस से देख के इजीली आप घर पे बना सकते हैं और लोगों को पिला सकते हो भाई, वैसे भी गर्मी आ रहा है। सो भाभी आप ट्राई करो, बताओ कैसा बनाया आपने। और मैं ये काफी रिफ्रेशिंग है, इसमें आइसक्रीम का एक थिकनेस है और मिरिंडा का वो टैंगीनेस है, तो उसकी वजह से बहुत बहुत मजा आ रहा है। और हम पी रहे हैं यहाँ पे घासलेट। ओके, इसका एक अपना ही टेस्ट है, जब आप बनाओगे पियोगे तो आपको मजा आएगा। तो भाभी आज हमने यहाँ पे तीन जूस ट्राई किया, तो आप एक एक करके तीनों का नाम बता देंगे वापस से। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि तीनों जूस में हमने क्या क्या यूज किया है। पहला वाला था मोइटो, उसमें हमने पुदीना, नींबू, शक्कर और स्प्राइट, बस ये चार चीजों का यूज किया है। दूसरा वाला था ब्लू लगून के लिए हमने रेडीमेड एक मैक्रो का सिरप आता है सिट्रस ब्लू, वो यूज किया है, स्प्राइट और नींबू, बस ये तीन चीजें। और जो तीसरा जूस है हमारा, उसमें मिरिंडा या फैंटा या ऑरेंज फ्लेवर वाला कोई भी जूस ले सकते हैं, और उसके साथ वैनिला आइसक्रीम, आइसक्रीम भी आपके फ्लेवर्स का ले सकते हैं, और उसको ब्लेंड करना है बस। ये है मोइटो, ये है ब्लू लगून और ये है ऑरेंज आइसक्रीम जूस। सो जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, प्लीज़ ये जूस ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही एक्साइटिंग है, आपके मेहमानों को भी आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे। भाई आप जरूर ट्राई करना, वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जब देख रहे हो यहाँ पे कुछ जूस बचा हुआ है, तो मैं अपना रॉकेल वापस से ले लेता हूँ, भाभी अपना वो ले लीजिए जो पी देना, जो ये है मोजिटो है वो हम रूडी को लेके आएंगे, और हम भाभी रूडी जाएंगे बाहर घूमने के लिए और थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट देखेंगे जैसा लास्ट टाइम हमने किया था। तो मैं इसको खत्म करता हूँ और फटाक से रूडी को लेके आते और जाते हैं बाहर। ओह, कांच निकालने के बाद भी इतना अंधेरा, तो जैसे उजाले में आएंगे उजाला आ जाएगा। रूडी रुक जा भाई, रुक जा, ओ भाई रुक जा, नहीं रुकने वाला ये। हाँ, देख के रास्ता देख के क्रॉस करो। सो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बीच पे जा रहे हो चिंचन बीच पे। एक चिंचन बीच का सबसे फेमस डिश है वो है चाइनीज भेल, आज खाएंगे और बताएंगे। चले
देखा हवलदार बन गया, ये छोटा हवलदार बन गया यहाँ। कह सकता कि बहुत सही टाइम पे मैं चिंचन बीच पहुँच गया, मतलब शाम के कुछ 5:10 हो रहे और जो क्राउड दिख रहा है मुझे बहुत ही लाजवाब। यहाँ पर रूडी बहुत परेशान करने वाला है मम्मी को, क्योंकि यहाँ पे चिंचन पे टॉय कार स्टार्ट हो चुके हैं, जो बच्चे लोग घूमते हैं और वो मुझे दिख रहा है वहाँ पे बहुत। चल सकते हैं वो लग नहीं रहा है, वेट बहुत कम है, वेट बहुत कम है भाई। आजा, 2 साल बाद आएंगे हम लोग, आजा आजा। नहीं नहीं रूडी आजा। तो जो चीज़ खाने आए थे हम यहाँ पे उसे एकदम सबसे लास्ट में खा रहे, तो वहाँ पे रूडी अपना कुल्फी एंजॉय कर रहा है, मैं यहाँ पे अपना चाइनीज बिल एंजॉय कर रहा हूँ। और बोल सकता हूँ कि कॉलेज छोड़े मुझे 3 साल हो गए और अभी तक टेस्ट चेंज हुआ नहीं, मतलब वैसे का वैसे ही टेस्ट है जैसा पहले था। ओके, सो कहाँ पे लोकेशन है कहाँ मैं आपको बताऊँगा बाद में, थोड़े फिनिश कर लूँ। चाइनीज बिल भी खा लिए और कॉलेज की मतलब कॉलेज का टाइम याद आ गया। भाई इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर दो। जैसे आप चिंचन आओगे तो एंट्री मारते ही लेफ्ट साइड में एक दुकान आएगा, सो आपको लास्ट में देखो वहाँ पे दिख रहा है, सो वहाँ पे हमने खाया था। तो अब भी आना वहीं पे खाना। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। और वहाँ उसकी मस्ती चालू, उसने आइसक्रीम ले लिया, तो जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकती, ये प्रॉब्लम हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार।